हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अगस्त और सितंबर माह के करंट अफेयर्स पर। हमारे अगस्त माह के भी करंट अफेयर का वीडियो लेक्चर बचा हुआ था और अभी इस सितंबर माह के करंट अफेयर, एक साथ दो महीने के करंट अफेयर के कंटेंट को हम कवर करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर्स थोड़ा लंबा बनेगा और थोड़ा मैं फास्ट भी बताऊंगा, क्योंकि बताने के लिए बहुत सारे कंटेंट है। दो महीने के करंट अफेयर के कंटेंट हमें कवर करने हैं, ठीक है। देखिए, सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2024-25 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सी जी बुक्स कार्ट में भी जा करके सी जी पी एस सी ई पाठशाला के आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। सी जी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको सी जी पी एस सी ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला टॉपिक है कोरबा के जंगल में मिले 4000 साल पुराने शैलचित्र। कोरबा जिले के जंगल में 4000 साल पुराने शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। कोरबा जिले का एक गांव है जिसका नाम है दूधी टांगर गांव में एक नए गुफा की खोज हुई है। इस नए गुफा में 45 से अधिक शैलचित्र मौजूद है। ये जो गुफा है, प्रथम दृष्टितया यहाँ पे जो शैलचित्र पाए गए हैं उसे देखकर यह अनुमान लगाया गया कि ये जो गुफा है यह ताम्रपाषाण युग का है। और इस गुफा के खोजकर्ता है आपके हरि सिंह छत्री, जिन्होंने यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर के इस गुफा की खोज की है, जहां पर 45 से अधिक शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो आपका कोरबा जिले का यह तीसरा शैलचित्र वाला गुफा प्राप्त हुआ है, आगे आपको और डिटेलिंग बताऊंगा। ये यहाँ पे जो 45 से अधिक शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, इसमें हिरण, सांबर, श्वान यानी कि कुत्ता, बकरी, तेंदुआ, सियार के अलावा पदचिन्ह, मानव आकृतियां और ज्यामिति चित्र भी शामिल है। ये इस शैलचित्र में प्राप्त हुए कोरबा जिले के दूधी टांगर गांव के एक गुफा में जो शैलचित्र मिले हैं, ठीक है। कोरबा जिले का यह तीसरा गुफा है। इससे पहले कोरबा जिले में आपका बरहा झरिया और हाथामाड़ा शैलाश्रय प्राप्त हुए थे। उसके बाद यह कोरबा जिले में प्राप्त होने वाला आपका तीसरा गुफा है जहां से शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। देखिए, शैलचित्रों का विकास मानव सभ्यता के इतिहास से जुड़ा है। पूर्व में मानव अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शैल या चट्टानों के ऊपर चित्र उकेरा करता था, ठीक है। पहले के जो मानव है वो अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए पत्थरों के ऊपर खुरेद करके उकेर उसमें जो है पत्थरों को खरोच करके उसके ऊपर आकृतियां उकेरा करता था। तब उसके पास लिखने के लिए कोई भी लिपि नहीं थी, ठीक है। पाषाणकालीन मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, उसके पास लिखने के लिए कोई लिपि नहीं थी। कोरबा में खोज की गई यह तीसरी गुफा है, ठीक है। कोरबा में खोज की गई यह तीसरी गुफा है। संभावना है कि इस गुफा में आदि मानव रहता था और इसके पहले इसी प्रकार की गुफा अरेतला के जंगल में भी प्राप्त हुई है कोरबा जिले के। तो कोरबा जिले का यह तीसरा गुफा है जहां पे शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। गांव का नाम क्या है? दूधी टांगर गांव, जहां पे एक नए गुफा की खोज हुई है। खोजकर्ता के नाम क्या है? खोजकर्ता के नाम है हरि सिंह छत्री, जिन्होंने वहां के स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर के इस गुफा को खोजा है, जहां पर 45 से अधिक शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें हिरण, सांबर, श्वान, बकरी, तेंदुआ, सियार, पदचिन्ह, मानव आकृति के साथ साथ कुछ ज्यामिति आकृतियां भी प्राप्त हुई है, ठीक है। अगर आपको इमेज दिखाऊं तो यहां पर देखिए, पत्थरों के ऊपर उकेरा गया है आकृति, ये शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। ये जो अभी जो गुफा खोजा गया है ये उसी के इमेज है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जानवर की आकृति बनी हुई है, ये आपका पदचिन्ह बना हुआ है, ये देखिए, ये ऐसे पदचिन्ह बना हुआ है, ये पदचिन्ह बना हुआ है, यहां पर ऐसे जानवर की आकृति यहां पर बनी हुई है, ये तो ये जो शैलचित्र प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है कोरबा जिले में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है साहित्य अकादमी 72 सदस्यता। हाल ही में हमारे प्रदेश के एक साहित्यकार जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल जी को साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता प्रदान की गई है। यह इस सदस्यता से इन्हें पुरस्कृत किया गया 23 अगस्त 2024 को, लेकिन इन्हें यह 72 सदस्यता दिए जाने की घोषणा की गई थी सितंबर 2021 में। ठीक है, साहित्य अकादमी की ओर से 72 सदस्यता से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई थी सितंबर 2021 को, लेकिन प्रदान किया गया अभी 23 अगस्त 2024 को। क्यों? क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल जी जो है वो अभी शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसीलिए वे साहित्य अकादमी जहां पर इसके कार्यक्रम आयोजित होते हैं वहां पर जाकर के इस 72 सदस्यता को ग्रहण नहीं कर पाए रहे थे। तो साहित्य अकादमी की ओर से जो उसके आपके साहित्य अकादमी के अध्यक्ष और साहित्य अकादमी के सचिव छत्तीसगढ़ में आकर के उन्हें 72 सदस्यता से उन्हें पुरस्कृत किया है उन्होंने। अभी साहित्य अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है पूछा जाए तो साहित्य अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष है माधव कौशिक और इसके सचिव है श्रीनिवास राव, ये इसके सचिव है। इनके द्वारा विनोद कुमार शुक्ल जी को साहित्य अकादमी 72 सदस्यता प्रदान किया गया। देखिए, शुरुआत की अगर हम बात करें, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह इन्होंने वर्ष 1971 में लिखा था जिसका नाम है लगभग जय हिंद। लगभग जय हिंद के नाम से विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। ठीक, विनोद कुमार शुक्ल की अगर हम कुछ अन्य उपलब्धियों की बात करें तो शुक्ल जी को वर्ष 1999 में उनकी एक रचना दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग है और साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता यह पुरस्कार अलग है। ठीक, वर्ष 1999 में इन्हें इनकी रचना दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह रचना से एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। और शुक्ल जी को पेन अमेरिका व्लादिमीर नाबाकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर 2023 पिछले साल 2023 से सम्मानित किया गया। शुक्ल जी पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक है जिन्हें इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इनके बारे में ये सारे फैक्ट याद रखना है। 72 सदस्यता जो कि सितंबर 2021 का है प्रदान किया गया अभी अगस्त 2024 को। इनकी रचना दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए वर्ष 1999 का साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया और 2023 में इन्हें पेन अमेरिका व्लादिमीर नाबाकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर 2023 भी इन्हें प्रदान किया गया। और यह पुरस्कार पाने वाले ये भारतीय एशियाई मूल के पहले लेखक है। ठीक, देखिए, विनोद कुमार शुक्ल जी की रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और अभी लेटेस्ट जो वन रक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था। देखिए, ये है आपके विनोद कुमार शुक्ल जी और विनोद कुमार शुक्ल जी की यहाँ पर रचनाएं दी गई है जो हमारा करंट अफेयर का जो लास्ट एडिशन आया था जिसमें मैंने ये पेन अमेरिका व्लादिमीर नाबाकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर 2023 इसे मैंने अपने करंट अफेयर के बुक में भी इसे शामिल किया था जिसमें ये सारी रचनाओं को मैंने करंट अफेयर के बुक में इसे भी शामिल किया था और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। देखिए, जो आपके येलो कलर में जो लिखा हुआ है ये सारे क्वेश्चन अभी हाल ही में जो वन रक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था उसमें उठाया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना नहीं है। पांच रचनाएं दी गई थी जिसमें से चार इनकी रचनाएं। ठीक, देखिए, दीवार में एक खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, एक चुप्पी जगह, हरे घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहन कर विचार की तरह, अतिरिक्त नहीं सब कुछ होना बचा रहेगा कभी के बाद, अभी यासी रास त पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, लगभग जय हिंद, आकाश धरती को खटखटाता है, एक कहानी, घोड़ा और अन्य कहानियां, कविता से लंबी कविता आदि, जिसमें से ये नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, लगभग जय हिंद और कविता से लंबी कविता, ये अभी हाल ही में वन रक्षक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आया है। तो इनकी सारी रचनाओं को याद रखना, अभी तो इनको 72 सदस्यता का अभी पुरस्कार प्रदान कर दिया गया है तो इनकी ये रचनाएं आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बने रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चक्रधर सम्मान। हमारे प्रदेश के रायगढ़ जिले में 39वां चक्रधर
चक्रधर समारोह का आयोजन हो रहा है। ये जो संस्करण है ना, इस संस्करण को भी याद रखिएगा। वर्ष 2024 में चक्रधर समारोह के किस संस्करण का, कौन से संस्करण का आयोजन हुआ, तो ये चक्रधर समारोह का 39वां संस्करण था। ठीक है, रायगढ़ जिले में चक्रधर समारोह का 39वां संस्करण आयोजित हुआ। हमारे प्रदेश में रायगढ़ वाले क्षेत्र में चक्रधर समारोह की शुरुआत वर्ष 1985 से हुई। ठीक है, वर्ष 1985 से चक्रधर समारोह का आयोजन प्रारंभ हुआ। शुरुआत में इसका नाम कुछ और था, दो साल बाद वर्ष 1987 में इस समारोह का नाम चक्रधर समारोह किया गया। चक्रधर समारोह, राजा चक्रधर जो कि रायगढ़ रियासत के राजा थे, जो कि संगीत कला के क्षेत्र से संबंधित थे, कुशल कथक नृत्य और कुशल तबला वादक थे, उनके स्मृति में प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह का आयोजन होता है। ठीक है, संगीत और कला से संबंधित समारोह है आपका चक्रधर समारोह। इसका आयोजन प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के दिन होता है, जिस दिन पूरे भारत भर में पंडालों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन इस आपके चक्रधर समारोह की शुरुआत होती है और यह चक्रधर समारोह 10 दिनों तक चलता है, यानी कि पूरे गणेश पक्ष में इस चक्रधर समारोह का आयोजन होता है। इस साल 39वें नंबर का चक्रधर समारोह का आयोजन हुआ, कब से कब तक, 7 से 16 सितंबर 2024 तक इस चक्रधर समारोह का आयोजन हुआ। 10 दिवसीय आयोजन था। इसका आयोजन प्रतिवर्ष रायगढ़ जिले के रामलीला मैदान में इसका आयोजन होता है। इस साल विशेष क्या था, चक्रधर समारोह में प्रख्यात अभिनेत्री, नृत्यांगना एवं सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, जो कि फिल्म एक्टर है, ठीक है, फिल्म एक्ट्रेस है, श्रीमती हेमा मालिनी जी एवं उनकी टीम के द्वारा भरतनाट्यम पर रास बिहारी नृत्य नाटिका की शानदार प्रस्तुति दी गई। देखिए, ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं कि चक्रधर समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ, चक्रधर समारोह की शुरुआत कब हुई, चक्रधर समारोह प्रतिवर्ष किस तिथि को आयोजित होता है गणेश चतुर्थी के दिन, और कब से कब किस तिथि को वर्ष 2024 का चक्रधर समारोह आयोजित हुआ। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और किस स्थान पर प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह का आयोजन होता है, रामलीला मैदान रायगढ़। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, इस बार हेमा मालिनी जी और उनकी टीम ने प्रस्तुति दिया, तो हेमा मालिनी जी जो है इनकी टीम के द्वारा किस नृत्य की प्रस्तुति दी गई, भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम पर किसकी, रास बिहारी नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी गई। तो ये अलग से हाईलाइट करके याद रखिएगा, हेमा मालिनी जी और उनकी टीम ने भरतनाट्यम पर रास बिहारी नृत्य नाटिका की शानदार प्रस्तुति दी है। ठीक है, 7 से 16 सितंबर 2024 चक्रधर समारोह, यह है आपके राजा चक्रधर। ठीक है, यहाँ पे गणेश जी का अगर आप देखेंगे इनविटेशन में, यहाँ पे गणेश जी की भी प्रतिमा है या गणेश जी की फोटो है, प्रतिछाया है। ये क्यों, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन से इस चक्रधर समारोह का आयोजन प्रारंभ होता है। ठीक है, इस बार ना थोड़ा सा जो चक्रधर समारोह में जो शामिल हुए थे उनके नाम को, कलाकार, उन कलाकारों के नाम को थोड़ा याद रखना। टोटल 7, देखिए वैसे तो बहुत से कलाकारों ने प्रस्तुति दी, लेकिन पद्मश्री, 7 पद्मश्री कलाकार जो है इस साल चक्रधर समारोह में इन्होंने प्रस्तुति दिया। तो कम से कम ये जो 7 आपके पद्मश्री से सम्मानित जो कलाकार है, इनके नाम को आपको याद रखना है। सबसे पहले पद्मश्री हेमा मालिनी, ये किस नृत्य से संबंधित है, इन्होंने भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति दी है। ठीक, उसके बाद रामलाल बरेठ, हमारे छत्तीसगढ़ के, अभी इन्हें हाल ही में जो है पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया, इन्होंने कथक नृत्य की प्रस्तुति दी, कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। इधर पद्मश्री कुमारी देवयानी, इन्होंने भी भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति दी। उसके बाद पद्मश्री भारती बंधु जो है ये गायन से संबंधित है, कबीर गायन से संबंधित है भारती बंधु। ठीक, पद्मश्री अनुज शर्मा, ये हमारे छत्तीसगढ़ के अभिनेता, ठीक, हीरो। उसके बाद आपके पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के हास्य कवि। और पद्मश्री रंजना गौहर, इन्होंने ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसमें से आपके भारती बंधु, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, श्री रामलाल बरेठ और अनु शर्मा, ये हमारे छत्तीसगढ़ के हैं।
ठीक, तो कम से कम इन 7 कलाकारों के नाम को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 27 दिसंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये दूसरा साल था जब इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता की जो शुरुआत है, शुरुआत ये हुआ था आपके पिछले साल 2023 में ही इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, ये उसका दूसरा साल था, ठीक है। विजेता केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 36 गांवों को 8 श्रेणियों में विजेता घोषित किया। हमारे देश के 30 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से 36 गांव को, ओवरऑल इंडिया में से 36 गांव को 8 श्रेणियों में विजेता घोषित किया गया है। 8 श्रेणियां कौन कौन से है? साहसिक पर्यटन, जो 8 श्रेणी है, साहसिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, सामुदायिक आधारित, समुदाय आधारित पर्यटन, शिल्प विरासत, जिम्मेदार पर्यटन, आध्यात्मिक और कल्याण तथा जीवंत गांव, ये कुल 8 श्रेणियां हैं। इन अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार प्रदान किया गया। इनमें जो है हमारे छत्तीसगढ़ के, अच्छा यहाँ पे तो नाम ही नहीं लिखा है, हमारे छत्तीसगढ़ के चित्रकूट को समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी और डुडमा रास को साहसिक पर्यटन श्रेणी, ठीक है। देखिए, समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी में चित्रकूट को और आपका साहसिक पर्यटन श्रेणी के अंतर्गत बस्तर के ही डुडमा रास को आपका पुरस्कार प्रदान किया गया। तो छत्तीसगढ़ के दो स्थान जिन्हें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता से सम्मानित किया गया कौन कौन से है? चित्रकूट को समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी का पुरस्कार मिला है और बस्तर जिले के ही डुडमा रास को साहसिक पर्यटन श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया गया है इस सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। कम से कम ये दो हमारे छत्तीसगढ़ के स्थानों के नाम को याद रखिएगा। और किस श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया गया है ये भी पूछा जा सकता है, अलग से स्पेसिफाई करके देगा कि छत्तीसगढ़ के किस एक गांव को साहसिक पर्यटन श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार प्रदान किया गया। उसमें ऑप्शन में चित्रकूट भी रहेगा और डुडमा रास भी रहेगा, तो श्रेणी के साथ इनके नाम को याद रखना है। यहाँ पर जो आपका इमेज है ये है आपका चित्रकूट जलप्रपात का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राहुल गुप्ता जिन्हें छत्तीसगढ़ का माउंटेन मैन भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो राहुल गुप्ता है, इन राहुल गुप्ता को छत्तीसगढ़ का माउंटेन मैन कहा जाता है। इन्होंने 15 अगस्त 2024 को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को पर इन्होंने तिरंगा लहराया, ठीक है। हाल ही में इन्होंने आपके ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को पे तिरंगा लहराया। ये जो अभियान था, यह अभियान दिल्ली के मिशन पॉसिबल की ओर से आयोजित अभियान के ये हिस्सा थे, ठीक है। दिल्ली में जो मिशन पॉसिबल, ये जो है एक टीम बनाई गई थी मिशन पॉसिबल, उसका ये हिस्सा थे और इसका हिस्से के तौर पर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर पर्वतारोहण किया। शामिल इस अभियान में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुल 11 पर्वतारोही शामिल हुए थे। 11 पर्वतारोही में से एक थे हमारे छत्तीसगढ़ के राहुल गुप्ता। माउंट कोजियस्को यह चोटी 7,310 फीट ऊंची और विश्व की 7वीं सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोजियस्को, जिसकी ऊंचाई 7,310 फीट है और यह विश्व की 7वीं सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अगर हम राहुल गुप्ता की अन्य उपलब्धियों की बात करें तो मई 2018 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, पर तिरंगा लहराकर छत्तीसगढ़ और देश का नाम इन्होंने रोशन किया था। तो किस वर्ष इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण किया पूछा जाए तो वर्ष 2018 में, 14 मई 2018 को, और माउंट कोजियस्को में अभी 15 अगस्त 2014 पर इन्होंने जो है पर्वतारोहण किया। राहुल गुप्ता जिन्हें छत्तीसगढ़ का माउंटेन मैन भी कहा जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का माउंटेन मैन किसे कहा जाता है, तो राहुल गुप्ता को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जिसका विस्तार कोरिया और सूरजपुर जिले में इसका विस्तार है, ठीक है। यह राज्य का सबसे बड़ा और देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है।
हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा। छत्तीसगढ़ में अब तक 3 टाइगर रिजर्व थे, एक इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर, दूसरा उदयंती सीतानी टाइगर रिजर्व जिसका विस्तार धमतरी गरियाबंद में है, और तीसरा है आपका अचानक मार टाइगर रिजर्व जिसका विस्तार मुंगेली बिलासपुर वाले क्षेत्र में है। ये हमारे प्रदेश के 3 मौजूदा टाइगर रिजर्व थे। अब चौथा और एक ऐड हो गया है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का एक नेशनल पार्क है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, तमोर पिंगला जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का एक अभ्यारण्य है, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा। छत्तीसगढ़ में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, इंद्रावती, उदयंती सीता नदी, अचानक मार और गुरु घासीदास। इन चारों में से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, और देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। देश का तीसरा सबसे बड़ा, देखिए देश का, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आपके आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल है 3296.31 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है असम राज्य का मानस टाइगर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल है 2837.1 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर पर है हमारे छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल है 2829.387 वर्ग किलोमीटर। और इस 2829.387 वर्ग किलोमीटर के साथ ये हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। चर्चा में ये क्यों आया, देखिए ये जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, इसे साल 2021-22 में टाइगर रिजर्व इसे बनाया गया था, यानी कि इसे मंजूरी दे दी गई थी टाइगर रिजर्व की, लेकिन विरोध के कारण, देखिए लेकिन इस क्षेत्र में कई खदानें थी, कुछ माइंस थे, कई खदानों की वजह से नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित करने का नोटिफिकेशन पर रोक लगा दिया गया था, ठीक है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट से तो मंजूरी मिल गया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मंजूरी नहीं मिला था, ठीक। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को जो है टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी। सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मिल गया था, लेकिन राज्य में छत्तीसगढ़ में कुछ खदानें थी, जिस वजह से इस पर जो नोटिफिकेशन राज्य सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया था। अब जारी हो चुका है, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और अगर क्रमानुसार देखें तो हमारे भारत में वर्तमान में टोटल 55 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से 93 नंबर का टाइगर रिजर्व था आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, जीएसटी काउंसिल के सदस्य वित्त मंत्री ओपी चौधरी, जीएसटी काउंसिल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी में सुधार के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का पुनर्गठन किया गया। अलग अलग राज्यों से जो है कुछ मंत्रियों का एक ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का पुनर्गठन किया गया है। इस नए गठन में छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में वित्त मंत्री है ओपी चौधरी जी सदस्य के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। ये जो है जीएसटी काउंसिल में सदस्य के रूप में नामित है श्री ओपी चौधरी जी, वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री है। वित्त मंत्री के अलावा इनके पास वाणिज्यिक कर विभाग, आवास एवं पर्यटन विभाग, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग भी इनके पास है। हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सहित कैबिनेट मंत्रियों की संख्या है 11। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 13, लेकिन 2 कैबिनेट मंत्रियों का पद अभी रिक्त है। तो जो 11 कैबिनेट मंत्री है उनमें से एक है आपके ओपी चौधरी जी, जिनके पास वित्त मंत्रालय, वाणिज्यिक कर मंत्रालय, आवास एवं पर्यटन मंत्रालय, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्रालय है। और हाल ही में चर्चा में रहे क्योंकि इन्हें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो आपके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उनके सदस्य के रूप में नामित किया गया है। केवल ओपी चौधरी जी को ही नहीं, अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में से कुछ मंत्री, कुछ वित्त मंत्री, इन्हें जो है आपका इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया गया है जीएसटी काउंसिल के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कोयले का भंडार, ठीक है। यहां पे आपका हेडिंग नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहां ध्यान देना, ये जो डाटा दिया गया है ये किसका है, कोल मंत्रालय का डाटा है, ठीक है। कोल मंत्रालय की ओर से, कोल मंत्रालय के तरफ से अभी 2024 में कोयले के भंडारण, कोयला भंडारण का एक डाटा जारी किया गया है, ठीक है, जिसके तहत कोल मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर भारत में
जो आपका कोयले का भंडारण है वो है आपका 378,207.28 मिलियन टन। ये अखिल भारतीय स्तर पर पूरे भारत भर के अलग अलग राज्यों में कोयले का भंडारण है। कितना है? 378,207.28 मिलियन टन। सर्वाधिक कोयले का भंडारण है आपके उड़ीसा में। कितना है? 94,518.59 मेट्रिक टन। 94,518.59 मिलियन टन। ठीक। झारखंड में है 87,838.10 मिलियन टन। ये जो डाटा है ये किस में है? ये मिलियन टन में है। हमारा छत्तीसगढ़ इस सूची में तीसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में भंडारण है 80,773.87 मिलियन टन। तो कोयला भंडारण के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ के दोनों पड़ोसी राज्य उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, पहले नंबर पर उड़ीसा, दूसरे नंबर पर झारखंड। लमसम में डाटा याद रखिएगा, उड़ीसा 94,000 मिलियन टन, झारखंड 87,000 मिलियन टन और छत्तीसगढ़ 80,000 मिलियन टन। उसके बाद पश्चिम बंगाल 33,933.28 मिलियन टन और फिर मध्य प्रदेश 32,218.52 मिलियन टन। ठीक है, कम से कम टॉप फाइव के नाम को याद रखिएगा। फर्स्ट में उड़ीसा, सेकंड में झारखंड, थर्ड में छत्तीसगढ़, फोर्थ में वेस्ट बंगाल और फिफ्थ में है आपका एमपी, मध्य प्रदेश। और पूरे भारत भर में कोयले का भंडारण कितना है? आपका 378,207.28 मिलियन टन। ये पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में जो कोयले का भंडारण है उसके आंकड़े जारी किए गए हैं कोल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बस्तर ओलंपिक 2024। पिछली जो सरकार थी यानी कि भूपेश बघेल जी की जो सरकार थी उनके द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई। अब जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, ठीक है, राजनीतिक दल परिवर्तित हुए, हमारे प्रदेश में वर्तमान विष्णुदेव साय जी की सरकार आई, तो पिछली सरकार की जितनी भी योजनाएं थी या उनके द्वारा जो भी चीज़ें चलाई जा रही थी वो सारे ठंडे बस्ते में चले गए। सुनने में आया कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के स्थान पर क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू किया जाएगा, लेकिन वो भी अभी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा, बस्तर संभाग के द्वारा बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, 1 नवंबर 2024 को जो है बस्तर ओलंपिक की शुरुआत होगी, यानी कि जिस रोज हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 नवंबर को इस बस्तर ओलंपिक की शुरुआत होगी और इसका आयोजन जो है बस्तर संभाग के अंतर्गत सुकमा जिला प्रशासन के द्वारा इस बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। 3 स्तर पर यह प्रतिस्पर्धा आयोजित होगी, एक विकासखंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और सबसे लास्ट में संभाग स्तर पर। प्रतिभागी की बात करें तो 2 आयु वर्ग इसमें शामिल होंगे, एक 14 से 17 वर्ष जूनियर वर्ग और 17 वर्ष से अधिक, कोई भी आयु सीमा नहीं है, सीनियर वर्ग के खिलाड़ी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक, आयोजन की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल जो डेट डिसाइड किया गया है, विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता 1 से 10 नवंबर तक आयोजित होगी, जिला स्तरीय जो आयोजन है ये 13-14 नवंबर के आसपास आयोजित होगी, संभाग स्तर के डेट अभी आने बाकी है, हो सकते हैं ये डेट चेंजेस हो। ठीक है, अभी फिलहाल ये प्रस्तावित तिथियां हैं, हो सकता है कि आगे आने वाले, अभी नवंबर की बात हो रही है ना, अभी नवंबर की बात हो रही है, आगे आने वाले समय में डेट चेंज हो सकते हैं। लेकिन याद रखना कि बस्तर ओलंपिक हमारे प्रदेश में आयोजित होगा, जिसका आयोजन सुकमा जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। बस्तर ओलंपिक के अंतर्गत एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, हॉकी, तीरंदाजी, कराते, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग, रस्साकसी विधा सम्मिलित है, जिसमें से हॉकी और वेटलिफ्टिंग सीधा जिला स्तर पर होंगे, विकासखंड स्तर पर नहीं, सीधा जिले स्तर पर होंगे। कौन कौन से 2 प्रतियोगिता? एक हॉकी और दूसरा वेटलिफ्टिंग। ठीक, संभावित इसका जो लोगो रहेगा वो ये, एक आपका बायसन या वन भैंसा जिसके ऊपर पहाड़ी मैना बैठा हुआ है। ठीक है, अभी ये लोगो भी अभी निर्धारित नहीं है, आगे आने वाले समय में इसके लोगो का भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार 2024। 29 अगस्त 2024 को रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय सभागार में छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार 2024 का आयोजन हुआ। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है?
राज्य के एथलीटों को एथलीटों की उपलब्धि का सम्मान करना और पहचान करना तथा राज्य में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना इस छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण का मुख्य उद्देश्य है। इस आपके छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा और इसमें मौजूद थे श्री विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री। इस आपके खेल अलंकरण समारोह में वर्ष 2021-22 और 22-23 में उनकी खिलाड़ियों की उपलब्धियों के लिए राज्य के 97 एथलीटों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इससे पहले आपके मार्च के महीने में 2019-20 और 20-21 के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था और अभी जो है 29 अगस्त 2024 को जब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में, तो उस दिन जो है आपका ये छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण समारोह आयोजित हुआ जिसमें 2021-22 और 22-23 के 97 एथलीटों को सम्मानित किया गया। ध्यान देना एथलीटों की संख्या कितनी है, 97। 2021-22 और 22-23 के टोटल 97 एथलीट सम्मानित हुए। 29 अगस्त 2024 पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में यह खेल अलंकरण समारोह आयोजित हुआ। अब देखिए यहां पर जो है पुरस्कारों की सूची दी गई है, इसको थोड़ा ध्यान देना, कौन सा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, कितनी राशि प्रदान की जाती है, इस साल काफ़ी हाइलाइटेड है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर पुरस्कारों के नाम के साथ साथ यह पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, उसे भी आपको याद रखना है। सबसे पहले शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार जिसको मैं अंडरलाइन करूंगा उसको ध्यान देना, राज्य के वरिष्ठ खिलाड़ियों को, सीनियर प्लेयर्स, राज्य के वरिष्ठ खिलाड़ियों को जिन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में पदक जीता हो या किसी अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व किया हो। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, पहली चीज तो ये वरिष्ठ खिलाड़ी होने चाहिए, दूसरा नेशनल चैंपियनशिप, राष्ट्रीय स्तर की किसी चैंपियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में, नेशनल गेम्स में अगर उसने पदक जीता है या किसी अधिकृत इंटरनेशनल गेम्स में वो केवल शामिल हुए हैं, भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं, तो उन्हें, देखिए इंटरनेशनल गेम्स में भले ही उन्होंने पदक नहीं जीता लेकिन अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल गेम्स में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो उन्हें जो है शहीद राजीव पांडे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस शहीद राजीव पांडे पुरस्कार के अंतर्गत 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसमें वर्ष 2021-22 के 6 खिलाड़ियों को और 2022-23 के आपका 2021-22 और 22-23 यहाँ पे करेक्ट करना ना, 2022-23 के 4 खिलाड़ियों को ये शहीद राजीव पांडे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा शहीद कौशल यादव पुरस्कार, देखिए शहीद राजीव पांडे पुरस्कार वरिष्ठ यानी कि सीनियर प्लेयर्स के लिए है, वो शहीद कौशल यादव पुरस्कार जो कि जूनियर वर्ग के खिलाड़ी, जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों के लिए है। इसमें एक ही बात की जा रही है कि जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, नेशनल चैंपियनशिप में अगर पदक जीता है किसी जूनियर वर्ग के खिलाड़ी ने, उन्हें शहीद कौशल यादव पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसमें 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2021-22 के 6 खिलाड़ियों को और 22-23 के 7 खिलाड़ियों को शहीद कौशल यादव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार पिछले 5 वर्षों में, ठीक है लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 वर्षों में 4 बार सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें पदक जीतने की बात नहीं हो रही है लेकिन ऐसे सीनियर वर्ग के खिलाड़ी जिन्होंने लास्ट 5 ईयर में, पिछले 5 साल में सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, उन्हें शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार प्रदान किया जाएगा जिसमें 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 2021-22 में 11 और 2022-23 के 15 खिलाड़ियों को शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, राज्य के प्रतिष्ठित
प्रशिक्षकों एवं खेल निर्णायकों को, प्रशिक्षकों यानी कि कोच की बात हो रही है, खेल निर्णायकों यानी कि आपके अंपायर्स की बात हो रही है, तो कोच और अंपायर उन्हें जो है शहीद आपका सॉरी वीर हनुमान सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है इस आपके 2021-22 के दो खिलाड़ियों को और 22-23 के एक सॉरी 21-22 के दो प्रशिक्षक एवं निर्णायकों को तथा 22-23 के एक प्रशिक्षक अथवा खेल निर्णायकों को जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके नेक्स्ट है शहीद विनोद चौबे पुरस्कार। शहीद विनोद चौबे पुरस्कार राज्य के उन पूर्व खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनकी उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक है, ठीक है, 55 वर्ष या उससे अधिक है, खिलाड़ी ने किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीता हो या खेल क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय सेवा की गई हो, ठीक है। ऐसे खिलाड़ी जिनकी आयु 55 साल से अधिक है, उन्होंने किसी आपके अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नेशनल आपके जो चैंपियनशिप है उसमें उसने कोई पदक जीता है या खेल के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय सेवा किया है, तो उन्हें जो है शहीद विनोद चौबे पुरस्कार प्रदान किया जाएगा जिसमें 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। 2021-22 में 5 और 22-23 के 5 ऐसे पूर्व खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है शहीद विनोद चौबे पुरस्कार से। उसके बाद लास्ट है आपका मुख्यमंत्री ट्रॉफी। मुख्यमंत्री ट्रॉफी उन टीमों को प्रदान, देखिए यहां पे खिलाड़ियों की बात हो रही थी, मुख्यमंत्री ट्रॉफी जो है ये टीम को प्रदान किया जाता है, उन टीमों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सीनियर वर्ग या जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणियों में पदक जीता हो, ठीक है। देखिए 2021-22 के 11 और 22-23 के 24 टीमों को आपका मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार में 2021-22 के 41 और 2022-23 के 56 टोटल 97, ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, टोटल 97 होगा। तो 21-22 के 41, 22-23 के 56 खिलाड़ियों को कुल 97 जो आपके एथलीट्स है उन्हें इस छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो मुख्यमंत्री ट्रॉफी है ना, यहाँ पे ध्यान देना, मुख्यमंत्री ट्रॉफी इसमें भी जो टीमों का वर्गीकरण किया गया है, ऐसे टीम जिसमें 4 या उससे कम खिलाड़ी है, दो खिलाड़ियों के को भी टीम कहा जाएगा, 3 प्लेयर शामिल है उनको भी टीम कहा जाएगा, तो 4 या उससे कम खिलाड़ियों वाली टीम के लिए पुरस्कार राशि सीनियर वर्ग के लिए 2 लाख रुपए है और जूनियर वर्ग के लिए 1 लाख रुपए है। वहीं ऐसे टीम जिसमें 4 से अधिक खिलाड़ी वाली जो टीम है उसमें सीनियर वर्ग के लिए सीनियर वर्ग के लिए 5 लाख रुपए और जूनियर वर्ग के लिए 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है मुख्यमंत्री ट्रॉफी के अंतर्गत, ठीक है। इस छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सहाय जी के द्वारा घोषणा किया गया, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सहाय की बड़ी घोषणा, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए, इसी प्रकार रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ का कोई एक खिलाड़ी, कोई एक प्लेयर्स ओलंपिक गेम्स में जाता है, अभी जैसे आपको मालूम है पेरिस ओलंपिक का आयोजन हुआ, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है, मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, तो पेरिस पैरालंपिक का भी आयोजन हुआ, तो इस पेरिस जो आपके ओलंपिक गेम्स है, ओलंपिक गेम्स में छत्तीसगढ़ के प्लेयर भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए घोषणा किया गया है कि छत्तीसगढ़ का अगर कोई प्लेयर आगामी ओलंपिक गेम्स में अगर वह गोल्ड मेडल लेके आता है तो उन्हें 3 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल लेकर के आता है तो 2 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आता है तो उसे 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, ठीक। अभी लेटेस्ट करेंट अफेयर है कि छत्तीसगढ़, ठीक है, इसमें शामिल कर लेना छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी।
ठीक है, आज ही का करंट अफेयर है, इसको भी शामिल कर लेना, कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ या छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का आपका अध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष जो है टोटल 10 लोगों को बनाया गया है, जिसमें से कुछ मेन लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। एक है आपके बृजमोहन अग्रवाल, दूसरा विजय बघेल, दोनों सांसद, और तीसरे है आपके मंत्री केदार कश्यप। इन तीन मंत्रियों के सहित टोटल 10 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया है, उसे भी यहीं पर ऐड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लाइट मेट्रो। लाइट मेट्रो जिसका परिचालन रायपुर से दुर्ग के मध्य किया जाएगा, इसमें एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है रायपुर नगर निगम और रूस के मध्य, ठीक है। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर और रशिया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स के मध्य जो है एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। ये जो समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, ये एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ पर? आपके रशिया में। रूस में 21 से 25 अगस्त तक आपका इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट समिट का आयोजन हुआ था। तो रशिया में जा कर के रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने इस लाइट मेट्रो के समझौता पर हस्ताक्षर किया। लाइट मेट्रो में 8 बोगियां होती है, ठीक है। लाइट मेट्रो की अगर हम बात करें तो अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा तो नीचे तरफ सड़कें होती है, सड़कों के ऊपर पिलर बना करके ये पटरियाँ बिछाई जाती है, यानी कि नीचे तरफ सड़कें, सड़कों के ऊपर पिलर, ठीक है, कुछ इस प्रकार से पिलर होंगे और इसमें रेल की ऐसे पटरियाँ बिछाई जाएगी और इसके ऊपर चलेगा आपका लाइट मेट्रो, ठीक है। लाइट मेट्रो का कॉरिडोर सड़क के समांतर जमीन पर ही होता है। इसका स्टेशन बस स्टैंड की तरह होता है, ठीक है, बस स्टैंड के समान इसका स्टेशन होता है। लाइट मेट्रो में 3-4 कोच होते हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में चलेगा उसमें 8 बोगियाँ होगी। रिपोर्ट के मुताबिक तीन कोच की मेट्रो में 300 यात्री सफ़र कर सकेंगे और लाइट मेट्रो के स्टेशन साइज काफ़ी छोटे बने होते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है आपका लाइट मेट्रो, ठीक, जो कि रायपुर से दुर्ग के मध्य चलेगा। नेक्स्ट देखिए, वसुंधरा सम्मान। 24वां वसुंधरा सम्मान यह प्रदान किया गया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक डॉक्टर विश्वेश ठाकरे, ठीक है। डॉक्टर विश्वेश ठाकरे को वसुंधरा सम्मान 2024 24वां वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया। इस वसुंधरा सम्मान से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 24वां वसुंधरा सम्मान प्रदान किया गया है डॉक्टर विश्वेश ठाकरे को। अगर हम बात करें डॉक्टर विश्वेश ठाकरे से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य पर, तो डॉक्टर विश्वेश का एक कविता संग्रह, इनके कविता संग्रह का भी नाम याद रख लेना, पंखों पर लिखी आयतें भी प्रकाशित हो चुका है। तो डॉक्टर विश्वेश ठाकरे जिन्हें 24वां वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया, ये सम्मान प्रदान किया गया है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा, ठीक है। तो ये वसुंधरा सम्मान से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और डॉक्टर विश्वेश ठाकरे की कविता का नाम क्या है? पंखों पर लिखी आयतें, ठीक, यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, ये जो वसुंधरा सम्मान है ये जो है आपका वर्ष 2001 से लगातार यह आपका वसुंधरा सम्मान प्रदान किया जा रहा है। कीर्ति शेष देवी प्रसाद चौबे के पावन स्मृति में यह पुरस्कार स्थापित किया गया था, ठीक है। तो किसके स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है? यह देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, कीर्ति शेष देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। वर्ष 2001 से यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। 24वें नंबर का पुरस्कार प्रदान किया गया है विश्वेश ठाकरे को, ठीक। सांस्कृतिक विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से यह समारोह लोक जागरण संस्था वसुंधरा श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन भिलाई इस्पात संयंत्र ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो है वसुंधरा श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन भिलाई इस्पात संयंत्र के ऑफिसर्स के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, दिव्य कला मेला जिसका आयोजन कब हुआ? 16 अगस्त से लेकर के आपका 22 अगस्त के मध्य, ठीक है, ये डेट याद रखना। 16 से 22 अगस्त 2024 के मध्य दिव्य कला मेला का आयोजन हुआ। दिव्य कला मेला यानी कि किससे संबंधित है? ये दिव्यांगों से संबंधित है, ठीक है, दिव्यांग हैंडीकैप से संबंधित मेला। उनके कला को देखिए, 50 से अधिक दिव्यांग उद्यमियों के शिल्प कौशल और उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए दिव्य कला मेले का आयोजन हुआ। कहां पर आयोजित हुआ? BTI ग्राउंड शंकर नगर रायपुर में इसका आयोजन हुआ,
ठीक है, बस आपको याद रखना है कि दिव्य कला मेला का आयोजन 16 से 22 अगस्त 2024 के मध्य हुआ। विभिन्न राज्यों के दिव्यांग कारीगर और शिल्पकारों को के स्वदेशी उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई गई। दिव्य कला शक्ति दिव्यांग कलाकारों के द्वारा एक पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिव्यांग के लिए सहायक उपकरणों का मूल्यांकन एवं वितरण हुआ। ठीक है, इसमें घोषणा भी किया गया कि रायपुर में एक दिव्यांग पार्क भी बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 हमारे छत्तीसगढ़ के डॉक्टर हर्ष वर्मा, जो कि बलौदाबाजार जिले से संबंधित है, उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया खनन प्रौद्योगिकी में असाधारण योगदान के लिए। खनन प्रौद्योगिकी माइनिंग, ठीक है, माइनिंग टेक्नोलॉजी, खनन प्रौद्योगिकी में असाधारण योगदान के लिए डॉक्टर हर्ष वर्मा जी को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। प्रदानकर्ता कौन थे? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। इनकी अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो भूमिगत गुफाओं के सुरक्षित निर्माण, जल विद्युत राजमार्गों और मेट्रो परियोजनाओं में उनके विशेष योगदान के लिए उनकी जो है विशेष योगदान शामिल है। भूमिगत गुफाओं के सुरक्षित निर्माण, यानी कि जमीन के अंदर जो गुफाएं, ट्रेन के लिए पटरी बिछाने के लिए गुफाओं को काटा जाता है, ठीक है, जल विद्युत राजमार्ग, मेट्रो परियोजना, मेट्रो के लिए भी जो है अंडरग्राउंड माइनिंग की जाती है, तो वही खनन प्रौद्योगिकी में असाधारण योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। विशेष, डॉक्टर हर्ष कुमार वर्मा CSIR केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्था CMFRI के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत है। ठीक है, इतना याद रखना है, डॉक्टर हर्ष कुमार वर्मा से रिलेटेड, ये है आपके डॉक्टर हर्ष कुमार वर्मा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे पीएम जनमन के नाम से भी जाना जाता है शॉर्टकट में। ये प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2023 को, पिछले साल 15 नवंबर 2023 को झारखंड से हुआ था। जनजाति सशक्तिकरण एवं विकसित भारत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान शुरुआत कब हुआ? 15 नवंबर 2023 पिछले साल झारखंड से। क्या है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान? विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों, जिन्हें PVTGS पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता है, तो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना इस प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का मुख्य उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनवन को शुरू किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के टोटल 18 जिलों को शामिल किया गया है इस महाअभियान के तहत। शुरुआत तो पिछले साल हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में आपके 18 छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को अगस्त महीने में शामिल किया गया है इस प्रधानमंत्री जनवन के अंतर्गत। देखिए, इसमें लाभान्वित कौन होंगे, किसकी बात की जा रही है? PVTGS पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, विशेष रूप से कमजोर जनजाति। हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति कौन कौन सी है? एक बैगा, अबुजमाड़िया, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर और कमार। ठीक है, बैगा, पहाड़ी कोरबा, कमार, अबुजमाड़िया, बिरहोर, बहुल बसाहटों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा इस पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत। टोटल 18 जिलों को शामिल किया गया है इस पीएम जनमन के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ अव्वल। एनीमिया मुक्त भारत अभियान, सबसे पहले समझिए ये एनीमिया होता क्या है। एनीमिया जो है ये आयरन की कमी से होने वाली एक गंभीर स्थिति है। ह्यूमन बॉडी में, शरीर के अंदर आयरन की कमी से एनीमिया जो है एनीमिया होता है, एनीमिया की एक गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है। आयरन एक आवश्यक मिनरल्स है हमारे शरीर के लिए, जो स्वस्थ रेड ब्लड सेल्स RBC जिसे कहते हैं का निर्माण करता है। आयरन जो है ये शरीर में आपके RBC का निर्माण करता है। एनीमिया एक खून से जुड़ी हुई ऐसी स्थिति है जिसमें RBC लाल रक्त कोशिकाएं रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी हो जाती है। एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती, जिससे ऊतकों को ऑक्सीजन में कमी होती है। यह है आपका एनीमिया। और इस एनीमिया मुक्त भारत अभियान में, यानी कि इससे मुक्ति दिलाने के लिए एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हमारा छत्तीसगढ़ पूरे भारत भर के अलग अलग राज्यों से आगे बढ़कर के अव्वल रहा, पहले स्थान पर रहा इस कार्यक्रम में। अगर हम बात करें
छत्तीसगढ़ के जिलों की रैंकिंग की, ओवरऑल इंडिया में तो छत्तीसगढ़ अव्वल रहा, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में अव्वल जिले कौन से थे? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में पहले नंबर पर था आपका नारायणपुर जिला, दूसरे नंबर पर था कोंडागांव जिला और तीसरे नंबर पर था सुकमा जिला। ये एनीमिया मुक्त भारत ये है क्या, एनीमिया मुक्त भारत अभियान क्या है, इसे भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिएगा। एनीमिया मुक्त भारत अभियान साल 2018 में भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पोषण अभियान एनीमिया मुक्त भारत AMB कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य एनीमिया की व्यापकता को कम करना, एनीमिया क्या होता है पहले बता चुका हूं, आयरन की कमी से होने वाली गंभीर स्थिति, और पोषण अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस अभियान का लक्ष्य 6 से 59 महीने के बच्चों, किशोरियों, 15 से 39 आयु वर्ग वाली महिलाओं, ये बच्चों में, किशोरियों में और मुख्य रूप से महिलाओं में होता है, ठीक है। एनीमिया की व्यापकता को प्रतिवर्ष 3% कम करना इसका उद्देश्य है। विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से लोगों को एनीमिया के प्रति जागरूक किया जा रहा है और उन्हें जरूरी पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है, ठीक है। देखिए विभिन्न आयु वर्ग में IFA कवरेज, अब ये IFA कवरेज क्या है ध्यान देना। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयरन फॉलिक एसिड जिसे IFA कहा जा रहा है, शरीर में आयरन की पूर्ति करने के लिए एक टैबलेट, एक कैप्सूल दिया जाता है, आयरन फॉलिक एसिड का कैप्सूल, ठीक है, जो कि शरीर में आयरन की पूर्ति करता है। आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स स्कोर कार्ड जारी करती है, इसमें अलग अलग उम्र वर्ग में आयरन फॉलिक एसिड की खुराक से एनीमिया के बढ़ते और घटते प्रतिशत को देखा जाता है। ये बात हो रही है आपकी IFA की। देखिए ये जो एनीमिया है ये 6 से 59 महीनों के बच्चों में जो IFA स्कोर कार्ड यानी कि कितना कवरेज, कितना यह फॉलिक आपका आयरन फॉलिक एसिड वितरित किया गया वो बताया जा रहा है। 6 से 59 वर्ष के महीनों के बच्चों में इसका कवरेज रहा 85.3%, 5 से 9 वर्ष तक के बच्चों में रहा 90.9%, 10 से 19 वर्ष की किशोरों में रहा 90.8%, गर्भवती महिलाओं में इसका कवरेज रहा 95%, और स्तनपान करवाने वाली माताओं में रहा 77.8%। ये था आपका एनीमिया मुक्त भारत जिसमें छत्तीसगढ़ रहा अव्वल में, ठीक है। किंद्री बाजा ये किंद्री बाजा है क्या ध्यान देना। किंद्री बाजा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो कि भत्रा और परजा जनजाति के द्वारा इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। इस किंद्री बाजा को किनेरी बाजा के नाम से भी जाना जाता है। किंद्री बाजा एक प्रकार से सितारनुमा होता है, सितारनुमा, ठीक है, कुछ इस प्रकार की इसकी आकृति होती है। ये जो है बांस की पतली खपचियों में 4 तार होते हैं, इसका घट सूखी लौकी जिसे तुम्बा कहा जाता है, तुम्बा से बना होता है। मुख्य रूप से इस वाद्य यंत्र का प्रयोग भत्रा और परजा जनजाति करती है। ये अगर आप देखेंगे ये होता है आपका बांस जिसमें आपके 3-4 तार लगे होते हैं और ये है आपका तुम्बा यानी कि सूखी लौकी, ठीक। तो ये है आपका किंद्री बाजा। किंद्री बाजा आपका तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, तार से बज रहा है, तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत यह आता है। तो किंद्री बाजा किस जनजाति के द्वारा का प्रमुख वाद्य यंत्र है पूछा जाए तो भत्रा और परजा जनजाति का। नेक्स्ट देखिए नियुक्तियां। हाल ही में छत्तीसगढ़ में अलग अलग आपके आयोग, अलग अलग आयोग और प्राधिकरणों में कुछ नियुक्तियां हुई हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है श्री RS विश्वकर्मा को। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री RS विश्वकर्मा। छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोकायुक्त बनाया गया है इंदर सिंह उबोवेजा जो कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त है। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी को। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण
के उपाध्यक्ष, देखिए अभी तक हम अध्यक्ष की बात कर रहे थे, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाया गया है आरंग जिले, सॉरी आरंग विधानसभा के विधायक गुरु खुशवंत साहेब को। सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है श्रीमती गोमती साय, जो कि पत्थलगांव की विधायक है। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है सुश्री लता उसेंडी जी को, जो कि कोंडागांव से विधायक है। ठीक, उसके बाद ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष बनाया गया है श्री ललित चंद्राकर, जो कि दुर्ग ग्रामीण से विधायक है। और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है श्री प्रणव कुमार मरपच्ची को, जो कि मरवाही से विधायक है। ठीक, अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ये लास्ट के पांच है, ठीक है, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, सरगुजा क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसमें किसकी बात हो रही है? उपाध्यक्षों की। और ध्यान देना, इसमें उपाध्यक्ष की बात हो रही है, अध्यक्ष कौन है? इन सभी प्राधिकरण के अध्यक्ष है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, इन प्राधिकरण के अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष की नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल को संसद की दो स्थायी समितियों में सदस्य मनोनीत किया गया है। ये है आपके ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, शुरू में ये हमारे छत्तीसगढ़ में जो नई विधानसभा बनी थी श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उसमें 13 कैबिनेट मंत्रियों में से एक थे। ठीक, ब्रिजमोहन अग्रवाल अभी ये बन चुके हैं आपके सांसद लोकसभा चुनाव के पश्चात। तो ये जो आपके ब्रिजमोहन अग्रवाल जी लोकसभा की सबसे महत्वपूर्ण प्राकलन समिति के सदस्य बनाए जा चुके थे। ठीक है, ये जो आपके संसद में अलग अलग समितियां होती है, लोकसभा में अलग अलग समितियां होती है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण समिति प्राकलन समिति के सदस्य थे। और इन्हें हाल ही में केमिकल एवं फर्टिलाइजर कमेटी तथा शिक्षा महिला व बाल विकास युवा एवं खेल स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। तो प्राकलन समिति के तो सदस्य थे ही, इसके साथ साथ दो और समितियां में इनको सदस्य बनाया गया है, केमिकल एवं फर्टिलाइजर कमेटी तथा शिक्षा महिला व बाल विकास युवा एवं खेल की स्थायी समिति का सदस्य इन्हें मनोनीत किया गया है ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का दूसरा वंदे भारत ट्रेन, दूसरा की बात हो रही तो पहला कौन सा है? छत्तीसगढ़ का जो पहला वंदे भारत ट्रेन है ये चलता है आपके बिलासपुर से नागपुर के मध्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो पहला वंदे भारत ट्रेन है ये बिलासपुर से नागपुर के मध्य चलता है। ये छत्तीसगढ़ का दूसरा वंदे भारत ट्रेन जो इसकी शुरुआत हुई है, इसका परिचालन किया जा रहा है दुर्ग से विशाखापट्टनम के मध्य। ठीक है, दुर्ग से विशाखापट्टनम के मध्य छत्तीसगढ़ का दूसरा वंदे भारत ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन 16 सितंबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, उद्घाटन किया गया 16 सितंबर 2024 को और नियमित रूप से इसका संचालन प्रारंभ किया गया 20 सितंबर 2024 से। ये डेली दुर्ग से विशाखापट्टनम के मध्य अप एंड डाउन कर रहा है। ट्रेन संख्या 20,829 और 20,830, इसका मतलब 20,829 दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए ट्रेन और 20,830 का मतलब विशाखापट्टनम से दुर्ग के लिए ट्रेन, यानी कि अप एंड डाउन ट्रेन। हर एक ट्रेन के ऊपर नंबर होता है, उस नंबरिंग की बात हो रही है। इस आपके वंदे भारत ट्रेन में टोटल 16 कोच है और ये जो ट्रेन है ये सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी, गुरुवार को छोड़ के, एक दिन मेंटेनेंस के लिए रखा जाता है। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसके बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, गुरुवार को छोड़ करके सप्ताह में 6 दिन ये ट्रेन चलेगी। ठीक है, विशेष क्या है छत्तीसगढ़ के इस दूसरे वंदे भारत ट्रेन का? नई वंदे भारत ट्रेन का छत्तीसगढ़ में दुर्ग से ये शुरू होगी। ठीक है, दुर्ग से शुरू होगी, उसके बाद रायपुर, महासमुंद, देखिए दुर्ग, रायपुर और महासमुंद। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जगह स्टॉपेज है, दुर्ग से शुरू होगा, रायपुर और महासमुंद, उसके बाद उड़ीसा राज्य में खरियार रोड, टिटिलागढ़ और रायगढ़, ये आपके उड़ीसा में, उसके बाद आंध्र प्रदेश के विजयनगरम और विशाखापट्टनम में जाकर के यह स्टॉप होगी। तो टोटल कितने स्टेशन में है? दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, आपका खरियार रोड 4, टिटिलागढ़ 5, रायगढ़ 6, विजयनगरम 7 और लास्ट में आपका विशाखापट्टनम में जाकर स्टॉपेज होगा 8। ठीक, 16 सितंबर 2024 को केवल हमारे छत्तीसगढ़ के
वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन नहीं हुआ। भारत भर में टोटल 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इन्होंने वर्चुअली, ठीक है, ऑनलाइन आकर के हरी झंडी दिखा करके इसका उद्घाटन किया। एक ट्रेन जो है कोल्हापुर से पुणे के मध्य चलाई गई, नागपुर से सिकंदराबाद के मध्य एक ट्रेन, पुणे से लेकर के आपका SSS हुबली के मध्य चलाया गया, एक आपका आगरा कैंट से वाराणसी के मध्य, और हमारे छत्तीसगढ़ के, देखिए जिसरो जिसका जो उद्घाटन किया गया उसरो जो ट्रेन चला रायपुर से, दुर्ग से नहीं चला, रायपुर से चला, रायपुर से विशाखापट्टनम के मध्य चला, और एक ट्रेन चला वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। अभी तक जितनी भी वंदे भारत ट्रेन चल रही है ये सभी के सभी 16 कोच वाली है। आपका 20 कोच वाली पहली वंदे भारत ट्रेन चली कहाँ पे? वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना। अभी तक जितने वंदे भारत ट्रेन है वो कितने कोच वाले हैं? टोटल 16 कोच वाले हैं। 20 कोच वाले यानी कि 20 डब्बों वाली पहली, 20 कोच वाली पहली आपकी वंदे भारत ट्रेन का परिचालन किया गया वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। अब ये क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस है, ठीक है, भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो, ठीक है। देखिए ट्रेन अलग होता है, मेट्रो अलग होता है, ठीक है। मेट्रो जो है आपके शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चलता है, भूमिगत चलता है और ऊपर भी चलता है, सड़कों के समानांतर भी चलता है मेट्रो। तो अभी तक क्या था आपका? वंदे भारत एक्सप्रेस की हम बात कर रहे हैं। भारत की पहली वंदे मेट्रो, वंदे भारत नहीं, भारत की पहली वंदे मेट्रो जिसका परिचालन आपके गुजरात के भुज से अहमदाबाद के मध्य किया गया। तो देखिए इस एक आपके कंटेंट में तीन तीन करंट अफेयर है। एक तो छत्तीसगढ़ का यह दूसरा आपका वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि दुर्ग से विशाखापट्टनम के मध्य चल रहा है। जो पहला था बिलासपुर से नागपुर के मध्य वो वाइट कलर का था, अभी वाला जो है ये ऑरेंज कलर का है, ठीक है, थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है, ऑरेंज कलर का है। ये एक करंट अफेयर कंटेंट हो गया। दूसरा, टोटल 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी गई जिसमें से हमारा छत्तीसगढ़ का आपका दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस भी एक था। उसमें याद रखना है वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य जो वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है ये भारत की पहली 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है। अभी तक जितनी वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है उसमें 16 कोच है, ये 20 कोच वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य किया गया। और भारत की पहली वंदे मेट्रो चलाई गई आपके कहां पे? भुज से अहमदाबाद के मध्य। एक ही कंटेंट में आपको तीन करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये ट्रेन का टाइमिंग है, टाइमिंग उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दुर्ग रायपुर महासमुंद खरियार रोड, ठीक है, ये जो शुरू के जो तीन है ये हमारे छत्तीसगढ़ के है, उसके बाद खरियार रोड काटांगी कांटाबाजी और टिटलागढ़, उसके बाद आपका केसिंगा और रायगढ़ा, ये सभी के सभी कहाँ पर है? ये सभी के सभी आपके उड़ीसा में है। उसके बाद विजयनगरम और विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ क्रेडा को मिला देश का पहला पुरस्कार। छत्तीसगढ़ क्रेडा, क्रेडा का फुल फॉर्म क्या है? देखिए CREDA, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। क्रेडा के फुल फॉर्म से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि क्रेडा का फुल फॉर्म क्या है? छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। एजेंसी के जगह कई बार अथॉरिटी कर देता है, कई बार एसोसिएशन कर देता है, तो एजेंसी है लास्ट में, याद रखना, ठीक। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यह कार्यरत है। इस क्रेडा को स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड कैटेगरी में पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण पर बेहतर काम करने के लिए छत्तीसगढ़ क्रेडा को देश में पहला पुरस्कार मिला स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड कैटेगरी के अंतर्गत। दूसरा स्थान पर रहा बड़े राज्य में गुजरात, गुजरात राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण जिसे जेडा के नाम से जाना जाता है, ये दूसरे स्थान पर रहा, हमारा छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा की स्थापना 25 मई 2001 को ऊर्जा विभाग के अंतर्गत की गई है और इस क्रेडा के वर्तमान CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है राजेश सिंह राणा, इनका भी नाम याद रख लेना, राजेश सिंह राणा इसके वर्तमान CEO है और इन्हें यही जाकर के पुरस्कार लिए है, ठीक है। क्रेडा का फुल फॉर्म से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। उसके बाद कुछ ऑपरेशन है, इन ऑपरेशन को भी याद रखना। देखिए प्रमुख ऑपरेशन सबसे पहले है ऑपरेशन शंखनाद। ऑपरेशन शंखनाद क्या है? ये जो ऑपरेशन शंखनाद है यह जशपुर जिले में चलाया गया,
जशपुर जिले में चलाए गए ऑपरेशन शंखनाद मवेशी तस्करी रोकने के लिए चलाया गया एक पुलिस अभियान था। ठीक है, ऑपरेशन शंखनाद नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि जशपुर जिले में प्रवाहित होती है एक नदी जिसका नाम है शंख नदी। शंख नदी के आसपास वाले क्षेत्र में झारखंड उड़ीसा के बॉर्डर पर आपके मवेशी तस्कर काफी सक्रिय है, तो मवेशी तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया एक पुलिस अभियान जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन शंखनाद। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन शंखनाद सुनकर के कोई नक्सली अभियान मत समझ लेना, ऑपरेशन शंखनाद जो कि मवेशी तस्करी से संबंधित है। उसके बाद ऑपरेशन मानसून, मानसून मानसून का मतलब क्या होता है, वर्षा ऋतु। बारिश के मौसम में छत्तीसगढ़ पुलिस और फोर्स के द्वारा एक नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया। देखिए, नक्सलाइट मुख्य रूप से कहां सक्रिय होते हैं, जंगलों में, विशेषकर अबूझमाड़ के जंगल क्षेत्र में, और जंगल क्षेत्र में ये जंगल के बीचों बीच कैंप बना करके, टेंट बना करके रहते हैं। लेकिन जब वर्षा ऋतु का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है, तो इन नक्सलवादियों को भी छुपने के लिए आश्रय की आवश्यकता होती है, और इस समय पुलिस फोर्स के द्वारा हर साल चलाया जाता है ऑपरेशन मानसून, क्योंकि इस समय नक्सल जो आपके नक्सलाइट है वो थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, बारिश के मौसम में थोड़े कमजोर हो जाते हैं, आश्रय लेने के लिए आसपास भटकते रहते हैं, तो हर साल ऑपरेशन मानसून चलाया जाता है छत्तीसगढ़ पुलिस और फोर्स के द्वारा। ठीक, ऑपरेशन जोशुआ, अभी ऑपरेशन जोशुआ क्या है इसको थोड़ा ध्यान समझना, ये एक आर्टिकल आया था, सुन के रखना, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना तो बहुत कम है। जोशुआ प्रोजेक्ट का मकसद ईसाई धर्मांतरण बढ़ाना और जगह जगह पर चर्च बनाना है, जो ईसाई मिशनरी है। जनरली ईसाई मिशनरी क्या करते हैं कि गांव देहात में जा करके वहां के लोगों को आर्थिक रूप से मदद करके उनका धर्मांतरण कराते हैं। देखिए, धर्मांतरण करना यह अपराध नहीं है, लेकिन धर्मांतरण करवाना यह अपराध है। उन्हें आर्थिक लालच देकर के, धन संपत्ति जमीन का लालच देकर के धर्मांतरण करवाना, यह जो है एक क्राइम है। तो कुछ स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो है आपके धर्मांतरण होते हैं। तो ये जो ऑपरेशन जोशुआ प्रोजेक्ट जो है ये ईसाई मिशनरियों से संबंधित है, जिनका मकसद ईसाई धर्मांतरण को बढ़ावा देना है और जगह जगह पर चर्च बनाना है, और इसे रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये जो आपका जो जोशुआ प्रोजेक्ट है ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाया जाता है, और इसे रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, झारखंड सरकार, जितने भी जनजाति बहुल राज्य है, ये प्रयास कर रहे हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायतों का एक लेटेस्ट डाटा आया था, ये डाटा को थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अभी आपके अगस्त सितंबर महीने में ये डाटा जारी किया गया है, क्योंकि अभी आपके नवंबर दिसंबर महीने में, दिसंबर जनवरी के महीने में आपका पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है, 33, और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय की संख्या कितनी है, नगरीय निकाय जिसके अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत आते हैं, तो नगर निगम की संख्या है 14, टोटल 14 नगर निगम है। नगर पालिका परिषद की संख्या है 50, ये डाटा अपडेटेड है, याद रखना, और नगर पंचायत की संख्या है 120, टोटल मिलाकर के नगरीय निकायों की संख्या कितनी है आपका, 184। अगर पंचायतों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जिला पंचायतों की संख्या, अच्छा इसको अपडेट कर लेना, जिला पंचायतों की संख्या हो गई है 33। ठीक, क्योंकि अभी बीच में आपका जिला पंचायत पुनर्गठन का एक राजपत्र प्रकाशन हुआ था, जिसमें जो नवगठित जिले हैं आपके मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुईकदन, गंडई, और आपका जो गोरिल्ला पिंड और मरवाही, इसे भी जिला पंचायत नहीं बनाया गया था। तो टोटल आपके 33 जिला पंचायत वर्तमान में गठित हो चुके हैं। जनपदों की संख्या है 146 और ग्राम पंचायतों की संख्या है 11,600। तो ये लेटेस्ट डाटा को भी याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, माँ दंतेश्वरी मंदिर जो कि दंतेवाड़ा में डंकनी शंखनी नदी के तट पर स्थित है, हमारे जो है भारत के 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है माँ दंतेश्वरी मंदिर को। ऐसी मान्यता है कि माता सती के शरीर को लेकर के जब भगवान शंकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे, तो विष्णु जी ने अपने चक्र से माता सती के शरीर के 52 टुकड़े किए थे, तो उनके दांत वाला हिस्सा जहां गिरा वहां पे दंतेश्वरी माता मंदिर स्थित है, उसे दंतेश्वरी शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। दंतेश्वरी मंदिर में बहुत से चढ़ावा चढ़ाए जाते हैं, सोना चांदी के, सिल्वर्स के भी यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाए जाते हैं। तो जो माता दंतेश्वरी का जो भंडार गृह है, जो दान का जो भंडार है, उसमें बहुत सारे चांदी मौजूद है। तो अब मंदिर के ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि दंतेश्वरी मंदिर में मौजूद जो आपका चांदी है, जो चांदी दान में दिया गया है, उसे पिघला करके अब बनाया जाएगा सिक्का और सिक्कों का वितरण किया जाएगा। इस सिक्के के फ्रंट साइड में माता दंतेश्वरी का प्रतिछाया होगा। ठीक है,
ये आप देख रहे हैं माता दंतेश्वरी के मुख को यहाँ पर दर्शाया गया है। श्री 1008 माई दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा, और इसके बैक साइड में मंदिर का यहाँ पे अंकन है, मंदिर की प्रतिछाया यहाँ दी गई है, टेंपल एस्टेट दंतेवाड़ा। तो ये जो है अभी इस साल के नवरात्रि से वितरण इसका प्रारंभ किया जाएगा, यानी कि जो भी इच्छुक आपके श्रद्धालु है इसे जाकर के ले सकते हैं यानी खरीदने के लिए, ताकि दान पत्र में कैश आए। ठीक, तो किस मंदिर के द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए गए हैं, तो यह है आपके दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माता मंदिर, जिसके फ्रंट में माता का अंकन है और बैक साइड में जो है आपके मंदिर का अंकन दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा कुछ नई योजनाओं की घोषणा की गई है। अभी ये योजना लागू नहीं हुआ है, केवल घोषणा हुआ है। अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र, ठीक है, इसका ये जो आपका अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र है, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोले जाएंगे, जहां पर 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। प्रदेश के हर एक जिलों में ये अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोला जाएगा, अभी घोषणा हुआ है। और दूसरा, एक नई योजना की घोषणा हुई है, अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना, इसकी भी घोषणा हुई है, लागू नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना की घोषणा की है। इसके तहत श्रमिकों के बच्चों को अच्छे स्कूलों में फ्री शिक्षा मिलेगी, वह प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ सकते हैं, फीस सरकार भरेगी, और यह मजदूर के लिए बड़ी घोषणा है। ठीक है, श्रमिक वर्ग के बच्चों को जो है फ्री शिक्षा देने के लिए, प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए ये योजना अभी घोषित हुआ है, अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना। आने वाले समय में इसका उद्घाटन होगा, शुभारंभ होगा, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, इसे अभी पढ़ के रखे रहिए। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर, विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर, इसका उद्घाटन किया गया श्री नितिन गडकरी के द्वारा, केंद्रीय परिवहन मंत्री है श्री नितिन गडकरी जी। इन्होंने बेमेतरा जिले में 108 फीट ऊंचे बांस टावर का इन्होंने ऑनलाइन लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री लोकार्पण कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये जो आपका टावर है, देखिए इतना ऊंचा जो टावर बनाया गया है, ये टावर पूरा का पूरा बांस से बनाया गया है, बांस से। बेमेतरा जिले के ग्राम काठिया में एक उद्योग है, एक इंडस्ट्री है, जिसका नाम है भव्य सृष्टि उद्योग। उसके गणेश वर्मा के द्वारा, ठीक है, इसके जो आपके जो हेड है गणेश वर्मा के द्वारा, दुनिया के, केवल हमारे छत्तीसगढ़ का नहीं, केवल हमारे देश का नहीं, वर्ल्ड वाइड विश्व का सबसे ऊंचा बांस का टावर का निर्माण किया गया है। इसे बनाने में करीब 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस टावर की ऊंचाई 140 फीट है। ऊंचाई को भी याद रखना, 140 फीट। पेरिस के एफिल टावर जैसे इसकी डिजाइन है, पेरिस में जो एफिल टावर है उसके जैसे इसका डिजाइन है। यह टावर भव्य सृष्टि उद्योग के फाउंडर और बांस प्रौद्योगिकी से जुड़े गणेश वर्मा ने बनाया है। ये जो टावर है ये वजन में हल्का होता है, इसका जीवन काल कम से कम 25 साल का होता है। इस टावर का उपयोग वॉच टावर में, यानी कि जंगलों की निगरानी करने के लिए वन विभाग के द्वारा, टेलीकॉम टावर यानी कि जो आपके मोबाइल में जो मोबाइल सिग्नल के लिए जो टावर बनाए जाते हैं उसमें, और ट्रांसमिशन टावर, रेडियो टावर, ठीक है, रेडियो टावर बनाने के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर कहां स्थापित किया गया है? बेमेतरा जिले के ग्राम कठिया में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, यह है आपका बांस टावर, विश्व का सबसे ऊंचा, एफिल टावर के समान इसकी डिजाइन है। नेक्स्ट, जल जागर महोत्सव जिसका आयोजन 5 से 6 अक्टूबर, दो दिवसीय यह जल जागर महोत्सव का आयोजन होगा। और यह महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है? गंगरेल डैम में। ठीक है, गंगरेल डैम, जिसे पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर जल जागर महोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो जल जागर महोत्सव का आयोजन 5 से 6 अक्टूबर 2024 धमतरी जिले के आपके गंगरेल डैम में इसका आयोजन होगा। इस आपके ये जो आपका जल जागर महोत्सव है, इसमें देखिए 5 से 6 अक्टूबर ये नवरात्रि का समय रहेगा, तो इसमें सनातन नवरात्रि का मेला भी आयोजित होगा गंगरेल डैम के आसपास। जल की महत्ता और जल संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में जल क्रीड़ा यानी कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होगी। जल क्रीड़ा के प्रति लोगों के लिए विशेष जल स्पोर्ट्स का आयोजन होगा। जल ओलंपिक का आयोजन होगा, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के खेल जो पानी में हो सकते हैं उसका एक जल ओलंपिक, वाटर ओलंपिक का आयोजन होगा। गंगरेल ट्रेल रन का भी आयोजन किया जाएगा। कार्निवल का आयोजन होगा। इसमें आगे आने वाले समय और भी अपडेट मिलेंगे, अक्टूबर के महीने के करंट अफेयर में हम इसे कवर करेंगे। लेकिन याद रखना कि जल जागर महोत्सव या जल
जल जागरण महोत्सव का आयोजन 5-6 अक्टूबर, दो दिवसीय आयोजन होगा। कहां पर होगा? पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय धमतरी या गंगरेल डैम धमतरी में। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र योजना में रायपुर को शामिल किया। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय की एक योजना है पर्यटन मित्र, जिसमें पूरे भारत भर के 50 स्थानों को शामिल किया गया है। इस 50 स्थान में से एक हमारा रायपुर भी है। अब ये पर्यटन मित्र योजना है क्या? विश्व पर्यटन दिवस 2024 के अवसर पर भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय ने बहुप्रतीक्षित पर्यटन मित्र तथा पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत की है। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम स्थानीय समुदायों को पर्यटन मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करके जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उद्देश्य पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना और साथ ही साथ विभिन्न पर्यटन स्थलों पर निवासियों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करना है। कुछ समझ में आया? साधारण शब्दों में समझा रहा हूँ, ध्यान देना। इसमें क्या है कि कोई एक टूरिस्ट किसी नए प्लेस में विजिट करता है घूमने के उद्देश्य से, या मान लीजिए कोई आपका एक कर्नाटक का कोई एक पर्यटक है, कोई एक टूरिस्ट जो हमारे छत्तीसगढ़ घूमने आ रहा है, तो एयरपोर्ट में लैंडिंग के पश्चात जो टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर से लेकर के होटल विजिट, होटल के वेटर्स, होटल के एम्प्लॉय, और उनको पूरा छत्तीसगढ़ में जिस जिस स्थान पर भ्रमण कराया जाएगा तो वहाँ के लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पर्यटन स्थल का चयन करके उस पर्यटन स्थल में आपका पर्यटन मित्र योजना बनाया जा रहा है। यानी कि टैक्सी ड्राइवर जो आपके दूसरे स्टेट से आने वाले या फॉरेन से आने वाले जो विजिटर्स है, उनसे किस प्रकार से बिहेवियर करना है, किस प्रकार से उनका स्वागत करना है, होटल में उनकी एंट्री होगी तो किस प्रकार से उनका स्वागत करना है, किस प्रकार से उनकी खातिरदारी करना है, तो ये क्या है, एक प्रकार से पर्यटन मित्र बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारे रायपुर का चयन हुआ है, इसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसमें पर्यटन दीदी की भी पहल शुरू की गई है। इससे क्या होगा, इससे जो है जो पर्यटकों के अनुभव भी बेहतर होगा और जो स्थानीय जो पर्यटन स्थल है वहां के स्थानियों को आर्थिक अवसर भी मिलेगा, यानी कि आपके पैसे कमाने की भी अवसर मिलेंगे। जिसमें टोटल 50 स्थानों का चयन हुआ है, जिसमें हमारे रायपुर एक शामिल है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है सुगम मोबाइल ऐप। सुगम मोबाइल ऐप ये क्या है, हाल ही में अभी अगस्त के महीने का है, ये अगस्त के महीने में आपका सुगम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये जो मोबाइल ऐप है ये प्रॉपर्टी संबंधित धोखाधड़ी और टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार ने यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने, सुगम मोबाइल ऐप। इस एप्लीकेशन में कोई भी व्यक्ति अपनी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी में जा करके 3 साइट फोटो, अक्षांश और देशांतर भौगोलिक स्थिति को रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में अपलोड करेगा। टैक्स की चोरी और धोखाधड़ी से रुके रोकथाम के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी व कर अपवंचन को रोकने में सार्थक मदद मिलेगा। देखिए, मोबाइल एप्लीकेशन सुगम का हुआ लोकार्पण। रजिस्ट्री ऑफिस में आए बिना होगी संपत्ति की आपकी रजिस्ट्री, इसमें मतलब जो लोग इसका यूज़ करेंगे उन्हें भी लाभ मिलेगा। रजिस्ट्री ऑफिस में काफ़ी लंबे लाइन लगे रहते हैं, तो इसमें रजिस्ट्री ऑफिस में आए बिना संपत्ति की रजिस्ट्री हो जाएगी। ऑनलाइन मिल सकेंगे स्टाम्प एवं रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट। जल्द कैशलेस एवं पेपरलेस होगी रजिस्ट्री। गवाहों को आना नहीं पड़ेगा रजिस्ट्री ऑफिस। संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी व टैक्स चोरी को रोकने में मिलेगी मदद। तो ये है आपका सुगम मोबाइल ऐप, जिसे लॉन्च किया है आपके वाणिज्य मंत्री आपके ओपी चौधरी जी के द्वारा, इसे लॉन्च किया गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए। हमारे प्रदेश के कुछ प्रमुख जलप्रपात जो कि अभी इस अगस्त और सितंबर के महीने में काफ़ी हाईलाइट में रहे, एक एक बार इसे रीड कर लेते हैं, जिसमें से बहुत से जलप्रपात के नाम आपको मालूम होंगे, कुछ जलप्रपात आपके नए हैं। सबसे पहले रानी दरहा जलप्रपात। रानी दरहा जलप्रपात ये मौजूद है आपके कवर्धा जिले में। दूसरा है सोनगुड़ा जलप्रपात। सोनगुड़ा जलप्रपात ये थोड़ा सा नया है, ये जलप्रपात जो है आपके जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। मांदाघाट जलप्रपात ये भी नया है, ये मौजूद है आपके कबीरधाम कवर्धा जिले में। थाड़ पानी जलप्रपात, इसे पहले ही मैंने कवर कराया हुआ है, खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में स्थित है थाड़ पानी जलप्रपात। मकरी झरना ये मौजूद है आपके सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ में। आपका कुमेली जलप्रपात ये नया है, ये मौजूद है आपके सूरजपुर जिले में। सरई दाह जलप्रपात ये मौजूद है कवर्धा जिले में। आपका हरीम रका जलप्रपात ये हाईलाइट में आया था, इसे डेवलप किया जा रहा है, ये मौजूद है आपके नारायणपुर जिले में। इंपॉर्टेंट है हरीम रका जलप्रपात का नाम याद रखना है। कर्मघोगा जलप्रपात पहले पढ़ा चुका हूँ, मनेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद माडो सिल्ली जलप्रपात जो कि सारंगढ़ बिलाईगढ़। देखो कई बार कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे,
एक मॉडर्न सिल्ली डैम अलग है, वो डैम है, बांध है, जलाशय है, जलप्रपात की बात हो, ये माडो सिल्ली है, वो मॉडर्न सिल्ली है, ये माडो सिल्ली है, ठीक है। मॉडर्न सिल्ली जलप्रपात जो कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ में स्थित है, और हांदावाड़ा जलप्रपात जिसे बाहुबली जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ये मौजूद है आपके नारायणपुर जिले में। एक नदी का नाम याद रखना, सिंदूरी नदी। ये जो सिंदूरी नदी है, ये अभी विश्व नदी दिवस जब हुआ था तब एक आर्टिकल आया था, मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए शामिल कर रहा हूँ। सिंदूरी नदी का जो उद्गम स्थल है ये कांकेर में है, ठीक है। एक और सिंदूरी नदी है सरगुजा संभाग की तरफ, यहाँ पे आपके महानदी की सहायक नदी की बात हो रही है सिंदूरी नदी, इसका उद्गम कांकेर के आंस कुंड के तोनका भुरका की पहाड़ी से, ठीक है। तोनका भुरका, ये पहाड़ी का नाम भी याद रख लेना कहाँ पर है, कांकेर में स्थित है तोनका भुरका की पहाड़ी, जहाँ से सिंदूरी नदी का उद्गम होता है। यह नदी कांकेर से, कांकेर में 25 किलोमीटर बह करके महानदी और दूध नदी के संगम स्थल से 1 किलोमीटर आगे, जहाँ महानदी और दूध नदी का उद्गम होता, संगम होता है, संगम के पश्चात 1 किलोमीटर जब महानदी आगे बढ़ती है तो महानदी में जाकर समाहित होती है सिंदूरी नदी। तो ये सिंदूरी नदी किसकी सहायक नदी है, ये सिंदूरी नदी सहायक नदी है आपकी महानदी की, ठीक। अब देखिए कुछ मिसलेनियस फैक्ट है जिसे फटाफट हम कवर करेंगे। सबसे पहले दुर्लभ माउस डियर, दुर्लभ माउस डियर, माउस डियर यानी कि छोटे आकार का हिरण, हिरण जो कि चूहे के भांति दिखता है, आकार में काफी छोटा है होता है, लगभग सुअर के साइज का होगा, दिखने में उसकी जो मुंह का जो आकृति है वो चूहे के समान होता है। ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क में देखा गया था, इसके बाद अभी हाल ही में ये नारायणपुर के जंगल में भी देखा गया है, दुर्लभ माउस डियर, मूसक हिरण कहा जाता है हिंदी में इसे। दूसरा मधेश्वर पहाड़ जशपुर जिले में स्थित है, ग्राम माइली में मधेश्वर पहाड़, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, मधेश्वर पहाड़ जिसे प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, ठीक है, हमारे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग, ठीक है, एक पूरे के पूरे पहाड़ को ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल पार्क जो कि प्रस्तावित है नवा रायपुर में, ठीक है, मेडिकल संबंधित फार्मास्यूटिकल पार्क। उसके बाद है आपका दिव्यांग पार्क, दिव्य कला मेला का आयोजन हुआ था जहां पर श्री विष्णुदेव साय जी ने घोषणा किया था कि रायपुर में दिव्यांग पार्क स्थापित किया जाएगा, 5 एकड़ की भूमि अलॉट की गई है। प्रदेश का पहला हैंडलूम पार्क, हैंडलूम पार्क यानी कि हाथ करघा से रिलेटेड, हैंडलूम पार्क ये बनाया जा रहा है रायपुर के पंडरी में। तो प्रदेश का पहला हैंडलूम पार्क कहां पर है, रायपुर के पंडरी में। नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये स्थापित किया जा रहा है नया रायपुर में, इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावित है, याद रखना, नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हिरण बहुल क्षेत्र, एक जंगल है जिसका नाम है धमनी जंगल जो कि बलौदा बाजार के पलारी में स्थित है, ये धमनी जंगल हिरण बहुल क्षेत्र है, इसे हिरण पार्क बनाए जाने की मांग की जा रही है, ठीक है, स्थानियों के द्वारा मांग की जा रही है, क्योंकि ये क्षेत्र क्या है, हिरण बहुल क्षेत्र है। तो धमनी जंगल कहां पर है, बलौदा बाजार के आपके पलारी वाले क्षेत्र में। उसके बाद डाभाखार कृष्ण जन्माष्टमी मेला, अभी हाल ही में कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन हुआ, तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक मेला आयोजित होता है महासमुंद जिले के बसना में, जिसे डाभाखार मेला के नाम से जाना जाता है। तो डाभाखार मेले का आयोजन कब होता है, प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस मेले का आयोजन होता है। तितली महोत्सव 2024, तितली हमारे प्रदेश में सर्वाधिक तितली की जो प्रजाति है ये मौजूद है आपके भोरमदेव अभयारण्य में, तो इस भोरमदेव अभयारण्य में 28-29 सितंबर को तितली महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ, ठीक। उसके बाद है आपका डुमाली पहाड़ी, डुमाली पहाड़ी जो कि कांकेर में मौजूद है। हाल ही में देखिए ये कुछ कुछ पहाड़ियां हैं जिसे एग्जाम में रैंडम क्वेश्चन उठा सकता है, इसलिए मैंने शामिल किया है। इस डुमाली पहाड़ी में कुछ तेंदुए और उसके बच्चों को देखा गया, इस कारण से डुमाली पहाड़ी आपका हाईलाइट में है। तो डुमाली पहाड़ी कहां स्थित है, कांकेर में। नेक्स्ट है कल्लू कुकुर के पावर पुस्तक के लेखक, अभी हाल ही में एक नए पुस्तक का विमोचन हुआ जिसका नाम है कल्लू कुकुर के पावर, जिसके लेखक है विजय मिश्रा अमित। चाय की खेती, हमारे प्रदेश में चाय की खेती होती है कहाँ पर, आपके जशपुर जिले में, और जशपुर जिले के सारूडीह में चाय की खेती होती है। उसके बाद है सत्तीगुड़ी एनीकट जो कि जांजगीर चापा में हंसदेव नदी के ऊपर निर्मित है। कुछ नए नए एनीकट से, कुछ नए नए बैराज से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये एक न्यूज़ आर्टिकल में आया था। तो सत्तीगुड़ी एनीकट कहाँ पर स्थित है, ये मौजूद है आपके हंसदेव नदी जांजगीर चापा में, ठीक है, हंसदेव नदी के ऊपर निर्मित है एनीकट। अब कुछ वन लाइनर फैक्ट है, इसे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले महंत घासीदास संग्रहालय को पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में बेस्ट प्रेजेंटेशन का अवार्ड मिला, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है इसलिए लास्ट मैंने मिसलिनियस में इसे शामिल किया है। तो गुरु घासीदास संग्रहालय को पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में बेस्ट प्रेजेंटेशन का अवार्ड मिला। महासमुंद जिले के सिरपुर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है उतुंग चोटी पर ब्रह्मगिरी पर्वत। अब यहां पर याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में उतुंग चोटी स्थित है, तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सिरपुर के समीप मौजूद है उतुंग चोटी, जिसका एक हिस्सा है ब्रह्मगिरी पर्वत, ठीक।
देश की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के कटघोरा कोरबा में शुरू होगी। भारत में जो है लिथियम के और भी कई जगह भंडारण के साक्ष्य मिले, सबसे बड़ा भंडारण मिला है आपके जम्मू कश्मीर में, लेकिन कहीं पर भी अभी माइनिंग शुरू नहीं हुई है। पहली माइनिंग शुरू हो रही है हमारे छत्तीसगढ़ के कटघोरा में, कटघोरा में भी लिथियम के भंडारण के साक्ष्य मिले हैं, और पहली खदान है आपका यही कटघोरा, कोरबा जिले का कटघोरा, जहां पर माइनिंग शुरू हो रही है। ठीक, वन विभाग के मुताबिक अभी हाल ही में विश्व हाथी दिवस के दिन जो है एक डाटा सामने आया, वन विभाग के मुताबिक प्रदेश में अनुमानित हाथियों की संख्या 359 है और सबसे ज्यादा 108 हाथी धर्म जयगढ़ वन मंडल के अंतर्गत है। तो प्रदेश में हाथियों की संख्या कितनी है अगस्त 2024 तक, सितंबर 2024 तक की स्थिति में, तो यह है 359। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक नए पुस्तक, नए भारत का नया कानून पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है, नए भारत का नया कानून पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक 2023 के नए आपराधिक कानून का छत्तीसगढ़ के छह प्रमुख स्थानीय भाषाओं, छह स्थानीय भाषा कौन कौन से, हल्बी भाषा, गोड़ी भाषा, भत्री भाषा, कुड़ुक भाषा, छत्तीसगढ़ी और हिंदी में रूपांतरित है। ठीक है, आप सभी को पता होगा पिछले साल आपके जुलाई 2023 में जो कुछ लॉ थे, जैसे कि आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इनका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया, जैसे कि आपका भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये नाम परिवर्तित किया गया, और उसमें कुछ पुरानी धाराओं को हटाया गया और कुछ नई धाराओं को शामिल किया गया। तो इन नई पुस्तक को, यानी कि इन नई आपके जो नए आपके कानून जो चेंज हुए हैं, उस पर एक नया पुस्तक बनाया गया, नए भारत का नया कानून, जिसे छत्तीसगढ़ के छह स्थानीय भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन किया गया है। कौन कौन से, हल्बी, गोड़ी, भत्री, कुड़ुक। हल्बी हल्बा जनजाति, गोड़ी गोड़ जनजाति, भत्री भत्रा जनजाति, कुड़ुक उराव जनजाति, छत्तीसगढ़ी मध्य छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली बोली और हिंदी में इसका रूपांतरित संस्करण है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जशपुर जिले के मेडर बहार और भगोरा क्षेत्र तथा बनगांव नॉर्थ क्षेत्र में स्वर्ण भंडार की पुष्टि हुई है। ठीक, जशपुर जिला जो है यह हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का जो है ये ग्राम जिला या निवास जिला बोल सकते हैं, ये जशपुर जिले से ही आते हैं। तो जशपुर जिले के दो क्षेत्र में स्वर्ण गोल्ड भंडारण की पुष्टि हुई है। कौन कौन सा, मेडर बहार भगोरा क्षेत्र और बनगांव नॉर्थ क्षेत्र में सोने के भंडारण की पुष्टि हुई है। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश के खान एवं खनिजों के समग्र प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन विभाग द्वारा विकसित वेब बेस्ट पोर्टल खरीज ऑनलाइन को इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा इंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी के अंतर्गत टेक्नोलॉजी सभा में एक्सलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, सीधे साधारण शब्दों में जो छत्तीसगढ़ खनिज विभाग का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट को एक्सलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखना, देखिए दिखने में जितना सिंपल है ना, इस सिंपल से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन का किस प्रकार थे, देखिए क्वेश्चन ये शायद एक्सीलेंस अवार्ड से क्वेश्चन आया है दो साल पहले के एग्जाम में, कि निम्नलिखित में से प्रदेश के किस विभाग के वेबसाइट को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो खनिज विभाग के वेबसाइट को सम्मानित किया गया। खनिज विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, ऐसे करके ऑप्शन देगा। जांजगीर चांपा के अकलतरा में स्थित है आपका दल्हा पहाड़। इस दल्हा पहाड़ में प्रतिवर्ष सावन शुक्ल पंचमी अर्थात नाग पंचमी के दिन मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की शिक्षिका है जिनका नाम है के शारदा, जो कि एक दिव्यांग है, हैंडीकैप है। के शारदा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए रोजगार परक प्रशिक्षण के लिए प्रदेश में कुल 160 आईटीआई, ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित किया जा रहा है, यानी कि इसकी घोषणा हुई है। जबलपुर, अच्छा, एक 15 अगस्त के दिन जो है स्वतंत्रता सेनानियों का कुछ आर्टिकल आया था, उसमें एक आर्टिकल दिया गया था जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा। जबलपुर का त्रिपुरी अधिवेशन, जिससे आप सभी को परिचित होंगे, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के मध्य कांग्रेस की अध्यक्षता के चुनाव हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे। पट्टाभी की हार मेरी हार है, ऐसे महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, जिसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया। उस अधिवेशन में शामिल थे हमारे छत्तीसगढ़ के गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही के पेंड्रा से संबंधित लालचंद जैन जी, ठीक, जो कि जिन्हें नेताजी की उपाधि प्रदान की गई थी इस त्रिपुरी अधिवेशन में।
त्रिपुरी अधिवेशन में किन्हें नेताजी की उपाधि प्रदान की गई? छत्तीसगढ़ के पेंड्रा के लाल चंद जैन जी को। वर्ष 1939 के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी की जीत हुई थी और जैन जी इस आपके सुभाष चंद्र बोस जी के गुट में शामिल थे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 146 आयुष ग्राम विकसित किए जा रहे हैं। आयुष ग्राम के माध्यम से ग्रामीणों के स्वास्थ्य की रक्षा, आजीवन स्वस्थ रहने, आयुर्वेद योग आयुष पद्धति के अनुसार उन्हें शिक्षित किया जाएगा। आयुष ग्रामों में भागीदारी के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। तो बस आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश में कुल कितने आयुष ग्राम विकसित किए जा रहे हैं? 146। जांजगीर चापा, नेक्स्ट देखिए, जांजगीर चापा के ग्राम भगोडीही, ग्राम मुक्ताराज, ग्राम सरहर और ग्राम रिसदा में निगम की अधिपत्य भूमि में आदर्श औद्योगिक क्षेत्र और टेक्सटाइल पार्क यानी कि कपड़े से संबंधित टेक्सटाइल पार्क स्थापना हेतु सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। राजनांदगांव जिले के ग्राम विजयतला की भूमि नवीन आदर्श औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हेतु सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। जांजगीर चापा के जो गांव के नाम है भगोडीही, मुक्ताराज, सरहर और रिसदा, यहां पे आदर्श औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे, प्रस्तावित है, और साथ ही साथ टेक्सटाइल पार्क भी प्रस्तावित है, और राजनांदगांव के बीजेतला में आदर्श औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है। नेक्स्ट, अभी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के दिन जो है कुछ स्मृति पुरस्कार प्रदान किए गए छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को। एक है आपके डॉक्टर रश्मिश्री ध्रुवे, जिन्हें आपका डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार थे ये। ठीक, उसके अलावा राजर्षि पांडे, एक कबीरधाम के शिक्षक राजर्षि पांडे को डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दुर्ग की शिक्षिका सरिता साहू को बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसे याद रखना। लास्ट है आपका छत्तीसगढ़ में बस्तर के नगरनार प्लांट में पैलेट प्लांट प्रस्तावित है। अब ये पैलेट प्लांट क्या होता है, देखिए, जब कभी भी जो आपके आयरन ओर्स यानी कि लौह अयस्क की माइनिंग होती है तो मेजर पोर्शन तो आपका लौह अयस्क निकलता है, लेकिन बहुत से जो है, देखिए, लौह अयस्क यानी कि आप समझ सकते हैं बड़े बड़े चट्टान, ये आपके लौह अयस्क के ग्रुप में निकलते हैं, लेकिन बहुत से ऐसा पोर्शन निकलता है जो कि डस्ट, धूल के फॉर्मेट में होता है। वो धूल एक प्रकार से वेस्टेज में जाता है, लेकिन अब जो है आयरन ओर की माइनिंग के दौरान जो डस्ट, जो धूल निकल रहा है, उस धूल से भी आपके इस्पात, स्टील बनाए जाएंगे। ऐसा प्लांट स्थापित किया जा रहा है, पैलेट प्लांट, जिसे पैलेट प्लांट कहा जाता है, जिसमें डस्ट के माध्यम से स्टील बनाने का कार्य किया जाएगा। ये प्रस्तावित है आपके नगरनार स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ बस्तर में। ठीक, तो ये था आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हमने 2 महीने के करंट अफेयर को कवर किया है। एक है आपका अगस्त महीना और दूसरा सितंबर महीना। ठीक, बहुत थोड़ा सा वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा बना होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट पे हमने डिस्कशन किया है, सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। किसी प्रकार का डाउट होगा आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक हमारा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का वीडियो आना बाकी है, लेकिन वो थोड़ा टाइम से आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है नवरात्रि अब शुरू हो रहा है। तो जहाँ पर मेरे ये आपका सेटअप है, जहाँ पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उसके जस्ट सामने आपके माइक बांध दिए जाते हैं। माइक के कारण काफी शोरगुल का समय रहता है और उस शोरगुल में वीडियो रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, मुझे समय मिलेगा तो मैं जरूर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर सितंबर 2024 का भी वीडियो रिकॉर्ड करके जल्द ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। ठीक है, चलिए।